हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ एक मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, और इस वीडियो के बाद इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। और जितना हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना टफ है, उसके सामने आपको यहाँ पर वो डाउट क्लियर हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में पैसा बनाना आसान है। कैसे आसान है, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी ये स्टोरी काफ़ी लोग यूट्यूब चैनल पे शेयर कर चुके हैं, बट मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनली आई लाइक दिस स्टोरी वेरी मच, और काफ़ी टाइम पहले मैंने ये स्टोरी सुनी हुई थी। ठीक है, तो मैं आप लोग को प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा और ये भी पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आप भी इन्वेस्टिंग करके एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। स्पेशली तो मैं ये बोलूँगा कि जस्ट फॉलो द 15x15x15 रूल। वो स्टॉक ट्रेडर चैनल पे वीडियो अपलोड है, 15x15x15 रूल, ये मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। बस यहाँ पे मैं 30 करता हूँ, मतलब 15 एवरेज रिटर्न फॉर 15 ईयर्स एंड 30,000 एवरी मंथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, यू कैन वॉच द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। स्टोरी जो आज है दैट इज़ अबाउट रोनाल्ड जेम्स रीड। रोनाल्ड जेम्स रीड हम सभी की तरह एक बहुत से कॉमन मैन थे, जिसके पास एक नॉर्मल सा घर, सेकेंड हैंड कार और एक बिल्कुल छोटी सी जॉब थी। जॉब किसकी थी? स्वीपर की, क्लीनर की। ठीक है, स्वीपर की, क्लीनर की, आपने बिल्कुल सही सुना। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर को 1921 में यूएस में हुआ था। और ये अपनी फैमिली के पहले ऐसे इंसान थे ग्रेजुएट होने वाले, मतलब इनकी फैमिली से ये एक पहले ऐसे इंसान निकले थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा। इन्होंने पढ़ाई की थी तभी जाके इतना नाम कमाया। ठीक है, ग्रेजुएट थे ये। फिर और इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि रोनाल्ड ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, अब ये इस दुनिया में नहीं है ट्रेडर्स, अब ये इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएस आर्मी में सर्व किया हुआ था। 1945 में इन्होंने आर्मी से रिटायर होने के बाद वर्मोंट जो इनका शहर था जो कि एक यूएस में है वहाँ पे वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने एक जॉब यहाँ पे ज्वाइन की, गैस स्टेशन पे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होते हैं तो वैसे यहाँ पे यूएस पे उसको गैस स्टेशन बोलते हैं। और गैस स्टेशन अटेंडेंट की जॉब थी जो उन्होंने यहाँ पे जॉब की, और जिसको इन्होंने 25 साल तक किया। ट्रेडर्स जस्ट लुक एट द पेशेंस ऑफ दिस गाय, जिन्होंने 25 साल तक सिर्फ एक गैस अटेंडेंट की यहाँ पे जॉब को कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पेशेंस लेवल हाई था इनका। गैस स्टेशन अटेंडेंट इन्होंने क्या किया, 25 साल की जॉब करने के बाद जॉब क्विट कर दी। इन्होंने एक साल का ब्रेक लिया, कोई जॉब नहीं की, शांति से थोड़ा घर पे बैठे। उसके बाद इन्होंने जेसी पैनी में एक स्वीपर की जॉब की। ट्रेडर्स गैस स्टेशन अटेंडेंट बनने के बाद एक स्वीपर की जॉब ज्वाइन कर ली, जिसमें इन्होंने 17 साल काम किया। पहले आप देखो 25 साल, फिर उसके बाद 17 साल। जस्ट लुक एट द पेशेंस ऑफ दिस गाय कि एक ही जगह पे इतने साल तक कैसे उन्होंने जो है काम किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए कि रोनाल्ड एक काफ़ी एक और समझदार व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी सैलरी का अधिकतम हिस्सा ट्रेडर्स ये इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट पे ये अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते थे, और ये अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज़ में लगाते थे। ठीक है, जो कंपनी ने समझ में नहीं आती थी, जैसे कि आईटी कंपनीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो था। क्यों था ज़ीरो? क्योंकि इन्हें ज़्यादा जो बिज़नेस समझ में नहीं आता था इसमें पैसा नहीं लगाते थे। इन्होंने जो मेन कंपनीज़ ले रखी थी दैट इज़ जीएम स्मकर, सीवीएस हेल्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, जेपी मॉर्गन, जनरल इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा कंपनीज़ में निवेश किया था। ये काफ़ी जानी पहचानी कंपनी है यूएस की। ठीक है, बहुत लिमिटेड सैलरी होने के बावजूद भी रोनाल्ड ने $8 मिलियन की वेल्थ क्रिएट की। ट्रेडर्स इजेंट इट, आई मीन कि मतलब किसी भी एक नॉर्मल कॉमन मैन को आप देखोगे जो एक स्वीपर की गैस स्टेशन की जॉब कर रहा है, और $8 मिलियन उनके मरने के वक्त उनके पास $8 मिलियन से ट्रेडर्स। तो ये उन्होंने कैसे किया, सबसे पहले तो ये हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, $8 मिलियन में से काफ़ी सारे रुपए उन्होंने डोनेट किए। $2 मिलियन उन्होंने स्टेप चिल्ड्रंस को, केयर गिवर्स को दान दे दिए। $4.8 मिलियन उन्होंने ब्रेटल बोरो मेमोरियल हॉस्पिटल में दान दिए। $1.2 मिलियन ब्रिक्स मेमोरियल लाइब्रेरी में उन्होंने डोनेट किए, और जो बाकी रेस्ट अमाउंट था वो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रोनाल्ड ने रातों रात इंटरनेट सेंसेशन ये कब बने, 2014 में, जब इनकी फैमिली को ये पता चला कि यहाँ पे जो मतलब एक इनका जो वेल्थ का जब बात सामने आई कि इनके पास 8 मिलियन है, उसके बाद ये इंटरनेट सेंसेशन रातों रात वायरल होने लगे कि कैसे एक स्वीपर $8 मिलियन US डॉलर्स कमा सकता है यहाँ पे। ठीक है,
तो सिंपल सा एक रूल इस स्टोरी से सीखने के लिए क्या मिला कि देखिए, ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत छोटी जॉब कर रहे हो तो आप पैसा नहीं जनरेट कर सकते हो। आप एक नॉर्मल कॉपरेटिव ऑफिस में जॉब कर रहे हो, आप एक नॉर्मल से टीचर हो, आप एक फार्मर हो, ठीक है, कुछ भी आप जॉब कर रहे हो यार, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के आप नॉलेज लेके इन्वेस्टिंग करोगे तो आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। मेरी एज 23 ईयर्स है ट्रेडर्स, मैं इतना ज़्यादा आप लोग को नॉलेज इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नहीं दे पाऊँगा, बट लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टोरीज हमें सीखने के बाद ये समझ में आता है यहाँ पे कि अगर पेशेंस, ठीक है, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ पेशेंस, उसके बाद है यहाँ पे नॉलेज एंड द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। मैं ये भी बोलूँगा कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आपने बना लिए तो आपको करोड़पति बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि राइट टाइम पे मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, दैट्स वाई आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। मैं यही बोलूँगा, ड्रीम लाइफ रह रहा हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी भी ट्रेडिंग से परेशान हूँ। आई लाइक माई वर्क, मुझे जॉब मेरी काफ़ी पसंद है, पे आउट काफ़ी अच्छा है, उसके बाद काम करने में मुझे वहाँ पे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैं वो जॉब करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग से अच्छी इनकम कर पा रहा हूँ तो जॉब छोड़ ही दूँ। मुझे जब लगेगा कि यार मुझे जॉब नहीं करनी अभी, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, आई वॉन्ट टू ट्रेड, तो फिर मैं उसके बाद छोड़ दूंगा। आपको क्या करना है कि अगर आपको भी वेल्थ क्रिएट करनी है, अब पेशेंस की बात है यार, मैंने ये वीडियो जब अपलोड की थी ना 15x15 रूल, तो उस पर कॉमेंट ये आई थी कि भाई 15 साल तक कौन वेट करेगा यार, अभी पैसा दिलाने का कोई स्कीम बताओ। तो वो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम मत पूछा करो यार भाई, कि 25 दिन में कैसे हम पैसा डबल कर लें, ये सब यहाँ पे नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। दिस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग और अ गेम, दिस इज़ द इन्वेस्टिंग, दिस इज़ अ बिजनेस यू आर डूइंग ओवर हियर। ओके, 15 साल का टाइम अगर आप दे सकते हो, 15% एवरेज रिटर्न ले रहे हैं, इससे ज़्यादा आ जाता है, और 15,000 रुपये पर महीने। ट्रेडर्स, मैं आपको पैसिव इनकम की वीडियोस बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसे आप स्टॉक्स पार्टनर के थ्रू अर्न कर सकते हो, कैसे यूट्यूब से अर्न कर सकते हो। तो 15,000 रुपये आप साइड इनकम से ही बस निकाल सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो तो। ये आप इन्वेस्ट करके आप 15 साल में एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। और पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं 15x15x30 रूल फॉलो करता हूँ, ठीक है, बस मैं 15,000 की जगह 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, और सिंपल से स्टोरी से ये सीखने भी हमें मिला यार यहाँ पे कि अगर आपके पास एक राइट माइंड सेट है, इफ़ यू हैव अ लॉन्ग विजन, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, और आप अपना पैसा सही कंपनी से इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके पास कहीं ना कहीं, रोनाल्ड ने ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं खाया होगा, इन्होंने लॉस भी खाया था जब 2008 में यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो इन्होंने लॉस भी लिया था, उसके बावजूद 8 मिलियन डॉलर्स इन्होंने ज़रूर इकट्ठे कर लिए ट्रेडर्स, ठीक है, उसके बाद भी 8 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने वेल्थ जनरेट की इसके बाद भी। तो ट्रेडिंग तो आप कर रहे हैं, दैट्स ओके, इन्वेस्टिंग को भी थोड़ा सा साइड में रख के चलिए, इन्वेस्टिंग में भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट डेली पुट करते जाइए। डेली से मेरा मतलब कि ईच मंथ, हर मंथ आप एक SIP प्लान बनाइए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, जो भी आप अमाउंट चाहो वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करो इन गुड कंपनीज, इन गुड बिजनेसेस, तो आपका पैसा आगे जाके ग्रो होगा। और वो आपको अभी नहीं, वो आपको आज से 5 साल 10 साल बाद लगेगा कि आप अपने आप को बोलोगे कि थैंक यू माई सेल्फ कि मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोरोना टाइम पे जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो ऑलमोस्ट 3 गुना होके मुझे वापस मिला। अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट 2.50 लाख था, बट वो मैंने ऑलमोस्ट मोर देन यहाँ पे 6 लाख जो है यहाँ पे विड्रॉल किया था, ठीक है, स्टॉक्स को सेल करने के बाद। तो ये कोरोना के बाद से रिकवरी है, जो कि मुझे रिटर्न विद इन 1 ईयर मिल गया था ये। लेकिन अगर आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ, लॉन्ग टर्म के विजन के साथ इन्वेस्ट करोगे, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अर्न गुड मनी इन इन्वेस्टिंग। और करोड़पति बनना, 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडर्स, जब आप ये इन्वेस्टिंग के ये कुछ रूल्स फॉलो करने लगोगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओगे, सेविंग पे ध्यान दोगे, इन्वेस्टमेंट पे प्लान दोगे, और मोर सोर्सेज ऑफ इनकम पे ध्यान दोगे ना, और मेन इंपॉर्टेंटली कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, पैसा आप आराम से कमा के 1 करोड़ रुपये कोई बड़ी बात नहीं हो पाएगी। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट में उल्टा उल्टा भी बोल के जाएंगे, भाई तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि तूने बड़े करोड़ों कमाए हैं। करोड़ों नहीं कमाए हैं, हाँ कुछ तो कमा लिए हैं और वो कमाते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, ये मैं प्रूफ देते रहता हूँ इसलिए ट्रेडर्स, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्रेडर्स। इस वीडियो में इतना ही ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।